प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत खंड महर्षि दयानंद। तो सबसे पहले जो है देख लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। तो ये आपका संदर्भ होगा। अब हम सातवें अनुच्छेद की हिंदी अनुवाद करते हैं। देखिए, प्रीतः गुरुस्तम अभाषत सौम्य विदित वेद तव्यो असि नास्ति किमपि अविदितम तव प्रीतः। प्रीतः माने प्रेम से गुरु धन तम धन अभाषत। गुरु प्यार से या प्रेम से गुरु ने तम माने उससे अभाषत माने कहा, यानी प्रेम पूर्वक जो है गुरु जी ने दयानंद सरस्वती से कहा। सौम्य पुत्र या शिष्य कुछ भी कह सकते हैं। विदित वेदितव्यो असि, विदित वेदितव्यो, विदित वेदितव्य धन असि। देखिए, जानने योग्य बातों को क्या है, जान गए हो। विदित वेदितव्य असि, जानने योग्य बातों को जान चुके हो। नास्ति किमपि अविदितम तव, ना धन अस्ति बराबर नास्ति, ना मनी नहीं, अस्ति मनी है, किमपि मनी कुछ भी, अविदितम अज्ञान, तव मनी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा अब कुछ भी अज्ञान नहीं है, यानी सब कुछ ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है। फिर से देखें, पिता गुरु अस्तम अभाषत सौम्य विदित वेदितव्यो अस्ति नास्ति किमपि अविदितम तव। प्रेम पूर्वक गुरु ने उनसे कहा, यानी दयानंद सरस्वती से कहा, सौम्य जानने योग्य बातों को जान चुके हो, नास्ति किमपि यानी कुछ भी तुम्हारे द्वारा अज्ञान नहीं है। अदत्त अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते। अदत्त्वे आजकल, अस्माकं देशः तो मतलब हमारा देश, आजकल हमारा देश अज्ञान अंधकारे निमग्नो, अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न का मतलब डूबा हुआ है। आज कल हमारा देश जो है अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। नारियाँ अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर किया जा रहा है। शूद्रश्च तिरस्क्रियन्ते, और शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है, यानी तिरस्कार का मतलब अपमानित किए जा रहे हैं। नारियों का अनादर किया जा रहा है और शूद्रों का भी अपमान किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है। अज्ञानिनः पाखंड खनिनाश्च पूज्यन्ते, अज्ञानिनः अज्ञानी पाखंडिनाश्च और पाखंडियों की पूज्यन्ते मनी पूजा की जा रही है, अज्ञानियों और पाखंडियों की पूजा की जा रही है। वेद सूर्योदय, वेद सूर्योदयम अंतरा अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति। वेद सूर्योदय, वेद रूपी सूर्योदय के अंतरा मने बिना अज्ञान अंधकारम, अज्ञान रूपी अंधकार न गमिष्यति नहीं जा सकता है। वेद रूपी सूर्य के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जा सकता है। स्वस्तस्त्युअस्ते, यानी ते माने तुम्हारा, स्वस्थ धन, स्वस्थ धन अस्तु बराबर स्वस्थस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मय पतितान, आपका कल्याण हो। उन्मय माने ऊपर उठाओ, पतितान माने पतितों को, जो पतित हैं, जो दलित हैं, जिनका शोषण किया गया है समाज में, उनको ऊपर उठाओ। समुद्र स्त्री जातिम, स्त्री जाति का समुद्र में उद्धार करो। प
पतितों को ऊपर उठाओ और स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडय पाखंडम, और पाखंडियों का खंडन करो, पाखंडियों का विनाश कर दो। इत्यमेव इत्येवमेव अभिलाषः, इत्यम धन एव बराबर इत्यमेव, यही है मैंने मेरी अभिलाषा, मैंने अभिलाषा यही है मेरी अभिलाषा। यमेव च मे गुरुदक्षिणा, और यही है मेरी गुरुदक्षिणा, मेरी अभिलाषा यही है और मेरी गुरुदक्षिणा भी यही है। फिर से देख लें लाइन टू लाइन। प्रीता गुरुं तम अभाषत सौम्य, प्रेम पूर्वक गुरु ने कहा पुत्र विदित वेदितव्यो अस्ति नास्ति किमपि अविदितम तव, जानने योग्य सारी बातों को जान चुके हो, अब आपके द्वारा कुछ भी अज्ञान नहीं है। अदत्वे अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, आज हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। नारियः अनाद्रियन्ते शूद्रश्च तिरस्क्रियन्ते, नारियों का अनादर किया जा रहा है और शूद्रों का भी तिरस्कार किया जा रहा है। अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडियों की पूजा की जा रही है। वेद सूर्योदयम अंतराह अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, वेद रूपी सूर्य के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जा सकता है। स्वस्तस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मयम पतितान, पतितों का उद्धार करो या पतितों को ऊपर उठाओ। समुद्धर स्त्री जाति, स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडय पाखंडम, पाखंडियों का खंडन करो। इत्यमेव इत्यमेवम अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है। यमेव च मे गुरुदक्षिणा, और यही मेरी गुरुदक्षिणा है। तो ये अनुच्छेद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। गुरुणा एवं आज्ञाप्तः महर्षि दयानन्दः एतद् देशवासिनः जनान् उद्धर्तुं कर्मक्षेत्रे अवतरत्। गुरुणा मानी गुरु के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, से के द्वारा होता है। तो गुरुणा एवं आज्ञाप्तः, गुरु के द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर महर्षि दयानंद ने एतद् देशवासिनो जनान, इस देश के निवासी लोगों के उद्धर्तुं माने उद्धार के लिए कर्मक्षेत्रे उतरत, कर्मक्षेत्र में उतर पड़े। गुरु के द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर महर्षि दयानंद ने इस देश के निवासियों के उद्धार के लिए कर्मक्षेत्र में कूद पड़े या उतर पड़े। सर्वप्रथमं हरिद्वारे कुंभ परमाणि भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताकाम अस्थापयत। सर्वप्रथम, सबसे पहले हरिद्वारे कुंभ पर्व, हरिद्वार में कुंभ पर्व के समय, कुछ भी कह सकते हैं, भागीरथी तटे गंगा नदी के तट पर पाखंड खंडनीम पताकाम स्थापयत। पाखंड खंडनी पताका यानी ध्वजा स्थापित किया। सबसे पहले हरिद्वार के कुंभ पर्व पर भागीरथी यानी गंगा के तट पर पाखंड खंडनी, पाखंडियों का नाश करने वाली विजय पताका स्थापित की, झंडा गाड़ दिया, कुछ भी कह सकते हैं। ततश्च हिमाद्रिम गत्वा त्रीण वर्षाणि तपः अतप्तेत। ततश्च, इसके पश्चात हिमाद्रिम गत्वा, हिमालय पर जा करके, त्रीण वर्षाणि तपः, तीन वर्षों तक तपस्या, अतप्तेत तपस्या किया। इसके पश्चात हिमालय पर्वत पर जाकर के तीन वर्षों तक तप किया। तदंतरम अयम प्रतिपादितवान, तदंतरम इसके पश्चात इन्होंने प्रतिपादितवान मने प्रतिपादित किया, सिद्ध किया। इसके पश्चात इन्होंने सिद्ध किया। ऋग यजुर साम अथर्वाणो वेदाह नित्याः ईश्वर कृतश्चा,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नित्य और ईश्वर के द्वारा मनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये नित्य हैं और ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण कर्म स्वभावे विभागा न तो जन्मनः चत्वारः एव आश्रमः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण कर्म और स्वभाव के द्वारा विभाजित हैं, विभागक मतलब बांटे गए हैं, न तो जन्मनः न कि जन्म के द्वारा, चत्वारः एव आश्रमः, चार ही आश्रम हैं, ईश्वरः एक एव, ईश्वर एक ही है, ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्व वैश्वदेवा पंच महायज्ञाः नित्यं करणीयः। ईश्वर एक ही हैं, ब्रह्म पितृ देव अतिथि यानी मेहमान और बलि वैश्वदेव वैश्वदेव ये पांच महायज्ञ जो है प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यानी ईश्वर एक है, ब्रह्म पितृ यानी अपने पितरों की और ईश्वर की, देवताओं की और अतिथियों की, तथा बलि वैश्वदेव लिखा है। जो अब बलि तो नहीं कहा जा सकता है, बलि का मतलब जो कुछ भोग लगाने की बात होती है, अर्पण करने की बात होती है, वो बलि के अंतर्गत आता है। तो ये पांच जो है देवों की जो है महायज्ञ प्रत्येक पुरुष को डेली करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, या स्त्री और शूद्र को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं है। अस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्य, इस वाक्य को असारताम माने निरर्थक प्रतिपाद्य का मतलब सिद्ध करते हुए, सर्वेषां वेदा वेदाध्ययन अधिकारम, सबके लिए वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था पर माने व्यवस्था किया। स्त्री और शूद्र को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं है, इस वाक्य को निरर्थक सिद्ध करते हुए सबके लिए वेद के अध्ययन का अधिकार, वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था किया। एवमयम पाखंडोन मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति अस्मिन्। एवं धन अयम, एवं माने इस प्रकार, अयम माने ये है, पाखंड उन्मूलनाय इस प्रकार इन्होंने पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, पाखंड का नाश करने के लिए वैदिक धर्म संस्थापनाय च और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र भ्रमरति अस्म, सब जगह भ्रमण करते रहे। फिर से देख लेते हैं पैराग्राफ। गुरुणः एवं अज्ञाप्तः महर्षि दयानन्दः एतद् देशवासिनः जनान् उद्धर्तुं कर्मक्षेत्रे अवतरत्। इस प्रकार गुरु के द्वारा आदेश दिए जाने पर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस देश के निवासियों का उद्धार करने के लिए कर्मक्षेत्र में उतर पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वाणी भागीरथी तटे पाखंड खंडनी पताकाम स्थापयत। सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा नदी के तट पर पाखंड खंडनी ध्वजा की स्थापना किया। ततश्च हिमाद्रीं गत्वा त्रीण वर्षाणि तपः अतप्यत। इसके पश्चात
हिमालय पर जाकर के 3 वर्षों तक तप किया। तदंतरम अयम प्रतिपादितवान, इसके पश्चात इन्होंने सिद्ध किया ऋग यजुर्साम अथर्वाणो वेदाह नित्या ईश्वर कृताश्चा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये नित्य और ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावी विभागः न तु जन्मनः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का विभाजन या बंटवारा गुण कर्म और स्वभाव के द्वारा होता है, न कि जन्म द्वारा। चत्वारः एव आश्रमः, 4 ही आश्रम हैं। ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि बलि वैश्य पंचमहायज्ञ नित्य करणीयः। ईश्वर एक है, ब्रह्म पितृ देव अतिथि और बलि वैश्य देव, ये 5 यज्ञ प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम अस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्य। स्त्री और शूद्र को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, इस वाक्य की निरर्थकता को सिद्ध करते हुए सर्वेषां वेदाध्ययन अधिकारम व्यवस्थापयत्। सबके लिए वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था किया। एवं मयम पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म स्थापनाय च सर्वत्र भ्रमरत अस्म। इस प्रकार पाखंड का नाश करते हुए, पाखंड का उन्मूलन या नाश करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सब जगह घूमते रहे। अब आखिरी जो है पैराग्राफ है, देखें। एवं आर्य ज्ञानदीप महादीपो देवो दयानंदः या जीवनम देशुद्धाराय प्रयत्मानः तदर्थम स्वजीवनम अपि दत्तवान् मुक्तिंच अधिगच्छत्। एवं आर्य ज्ञान महादीपो, एवं मने इस प्रकार आर्य ज्ञान, आर्य समाज का जो ज्ञान बांटने वाला महान दीप था देव दयानंद सरस्वती, देव रूप में जो समाज में आए दयानंद सरस्वती ने, या जीवनम पूरा जीवन देश उद्धाराय, देश जाति उद्धाराय, देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्माना, प्रयत्न करते हुए तदर्थम सजीवनम उनके हित में, यानी देश के निवासियों के हित में अपने जीवन को दत्तवान मने समर्पित कर दिया। मुक्तिं च अधिगच्छत और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार आर्य ज्ञान का महान दीपक देव दयानंद सरस्वती अपने पूरे जीवन भर देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मुक्ति प्राप्त की। एवं अस्य महर्षि जीवनम नूनम अनुकरणीयम अस्ति। एवं धन अस्य, एवं माने इस प्रकार, अस्य माने इनका, इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण करने योग्य है। इसे देख लें। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देव दयानंद या जीवनम देश जाति उद्धाराय प्रियतमानः तदर्थम स्वजीवनम अपि दत्तवान् मुक्तिंच अधिगच्छत्। इस प्रकार आर्य समाज के ज्ञान का महान दीपक दयानंद सरस्वती पूरे जीवन भर देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए उनके हित में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मुक्ति प्राप्त की। एवं अस्य महर्षि जीवनम नूनम अनुकरणीय अस्ति। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण करने योग्य है। तो प्यारे छात्रों, आज ये चैप्टर
पूरा हुआ। मैंने जो है 3 वीडियो में जो है इस पूरे चैप्टर को जो है आपके सामने रखा। तो वीडियो आपको पसंद आई कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और जो है अपना तो जुड़े हैं साथ साथ अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मित्र वही है जो मित्र की जो है मदद करे, मित्र के काम आए। तो अपने साथ साथ जो है अपने मित्रों का भी विकास करें, कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।